बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक फिट फाट? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक ठाक हैं। ताबाज यूनिट वर्ल्ड में खुश आमदीद। आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्ती लाजवाब सी मकई के आटे की रोटी बताऊंगी, वो भी बिना गूंदे। सर्दियों की बहुत ही लाजवाब ज़बरदस्त है स्पेशल डिश होती है सर्दियों की, विंटर स्पेशल डिश है, विंटर स्पेशल बहुत ही लाजवाब बेहतरीन तरीके से मैं बताऊँगी कि तरीके से आप बनाएँ कि आपकी मकई की रोटी जो है वो टूटे भी ना और बहुत लाजवाब और बेहतरीन टेस्ट वाली, बेहतरीन जायके वाली आपकी रोटी बनके रेडी हो और हर कोई खाए तो एक के बजाय चार चार रोटी खा जाए, इस तरह का ये रेसिपी होगी। मैं आपको बताने लगी हूँ, शेयर करने लगी हूँ। तो मैंने जो है मकई के आटे को छान लिया था, इसमें अंडे की तरह चौपकी हुई प्याज शामिल कर दी थी, इसमें साथ में ही मैंने जो है धनिया हरी मिर्च शामिल कर दिया था, हरी मिर्च आप अंडे और साथ में कुछ और चीज़ें भी साथ में शामिल करती जा रही थी। बाइंडिंग में बहुत अहम किरदार अदा करता है मकई के आटे की, जब भी रोटी बनाएं अंडा ज़रूर शामिल करें, अंडा जो है इसको बाइंडिंग में मदद करता है। तो बाइंडिंग एजेंट है वो बेस्ट बाइंडिंग एजेंट होता है एग। और इसमें हमने कुटी लाल मिर्च डाली 1 टीस्पून, 1/4 टीस्पून हल्दी डाली है, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाला है और जो है साथ में इसमें मैं शामिल कर दूंगी रेड चिल्ली पाउडर भी शामिल कर दिया था मैंने, वो स्किप हो गई है वीडियो। और साथ में ही जो है भुना कुटा साबित धनिया और ज़ीरा था वो शामिल कर दिया है। भुना कुटा साबित धनिया और ज़ीरा से बहुत लाजवाब से टेस्ट आने लग जाता है, तो ये ज़रूर शामिल कीजिए, इसको स्किप मत कीजिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर रिक्वेस्ट भी है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैंने काली मिर्च पाउडर शामिल कर दिया था। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन पर करना ना भूलिएगा। और ये मैंने लहसुन अदरक पाउडर शामिल कर दिया था, लहसुन अगर आपके पास पेस्ट हो पेस्ट शामिल करें पाउडर तो पाउडर शामिल करें। और ये अजवाइन मैंने 1/4 टीस्पून और नमक एस्पर्टेज और हसबे जायका नमक शामिल कर दिया था, साथ में सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर दिया था 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। और ये तमाम लवाजमात शामिल करने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा ऑयल और अनारदाना भी शामिल किया मैंने, इसमें ऑयल से जो है अंदर से क्रिस्पी सा बन जाता है और साथ में जो है अंदर से कुक हो जाए अच्छी तरीके से मकई का आटा। तो उसमें आप थोड़ा सा, अगर आपको फ़ौरन पकाना है तो थोड़ा सा मीठा थोड़ा डाल सकते हैं, अगर आपको रेस्ट देना है तो फिर मीठे थोड़ी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फ़ौरन पकाना है, फ़ौरन आप उसका बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं तो थोड़ा सा मीठा थोड़ा डाल दें ताकि आपका फ़ौरन से ये पक जाए अंदर अंदर तक। तो अब मैंने मीठा थोड़ा स्किप हो गया था, दिखा नहीं पाई तो शामिल किया था मैंने, साथ में पानी शामिल किया है। इसको अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर लेना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल कर सकते हैं। अगर आप दूध शामिल करें तो और ज़बरदस्त बेस्ट हो जाएगा। मेरे पास फिलहाल पानी था, मैंने पानी शामिल कर दिया है और आहिस्ते से उसको मिक्स करती जा रही हूँ ताकि गुठलियाँ भी ना बने। एक बैग पानी शामिल करने से गुठलियाँ बन जाती हैं। और अब इसमें ऑयल शामिल कर दिया है, ऑयल शामिल करके मज़ीद मिक्स कर लूँगी, अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और ये हमारा बैटर ज़बरदस्त सा मकई के आटे की रोटी के लिए रेडी हो चुका है, रेडी टू कुक है। अब इसको कुक करने के लिए बारी आएगी, इसको कुक करेंगे तवे पे हम तवे को अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है। तवे को हमें कोई भी हमारे पास जो है बड़ा सा चमचा हो, करछुल हो या कुछ भी हो तो जो आप इसे आप डालें को फैलाएं आहिस्ता आहिस्ता, तो हमारा तवा अच्छी तरीके से गर्म होना चाहिए मगर आँच हमारी हल्की होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ आँच होगी तो उसको फैलने में मुश्किल हो जाएगा। तो फैलाने के लिए आँच हमारी हल्की हो, तवा फुल गर्म हो और आहिस्ता आहिस्ता से वो तमाम जो है गोलाइयों को फैला लें और बहुत ज़बरदस्त हमारे ये रेडी हो जाएगा। तो 4 से 5 मिनट एक तरफ लेगा और 4 से 5 मिनट एक तरफ, यानी कि दोनों तरफ मिलाकर 10 मिनट तक
जो है इस तरह से कुक होगा, इसको 10 मिनट लगेगा क्योंकि अंदर से पकना होता है इसको। तो ऊपर से देखिए कितना ज़बरदस्त सा प्यारा सा कलर आया है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने हमें इतने मज़े मज़े के हर हर जो है मौसम के हमें खाने खिलाए, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ये ज़बरदस्त सा ये जो रेडी होता जा रहा है वो आपको मैं दिखाती जा रही हूँ किस तरीके से हमें कुक करना है, अच्छी तरीके से कुक कर लेना है। तो ये कुक हो गया, आप इस तरीके से बनाइए, खाइए, खिलाइए, इंजॉय कीजिए, जा करवाइए, जा रही है, खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह पाक उस जगह से आपको जो खुशियाँ नेमतें अता करें जहाँ से आपको गुमान ना हो, आमीन। अल्लाह हाफिज़। और मैंने चटनी ले ली थी, चटनी आप या फिर साग के साथ, पालक आलू पालक के साथ खा सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त लगता है ये। अगेन अल्लाह हाफिज़।